हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज सब्सक्राइब कर दें चैनल को, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। लाइक करें वीडियो को और शेयर करें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड फंक्शन, ठीक है। आइडेंटिटीज को पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रीज को, ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। देखो ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नो और मैट्री, ठीक है ना। ट्रिग्नोन का मतलब होता है ट्रायंगल्स और मैट्री का मतलब होता है मेजर करना, ट्रिग्नोन एंड मैट्रॉन्स, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल को कैसे मेजर करेंगे। देखो ये एंगल होते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल होता है और ये भी हमारा एक एंगल होता है। देखो जो एंगल के सामने वाली साइड होती है, ये हमारा एंगल है, ये हमारी साइड है। जो एंगल के सामने वाली साइड है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या बोलेंगे? हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। ये इस राइट एंगल ट्रायंगल में, हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा ये क्या होता है, ये हाइपोटेनियस होता है, सबसे बड़ी साइड ये कहलाती है। और ये जो बच गया उसे बेस बोलते हैं और इसे हम डिनोट करते हैं बी से। क्लियर है ना, इसे हम डिनोट करते हैं बी से। अब देखिए जो होते हैं 6 रेशियोज होते हैं, कौन कौन से? साइन होता है, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन, चौथा होता है आपका कॉट, और पांचवा होता है आपका सेक, और छठा होता है आपका कोसेक, ठीक है ना, कोसेक। क्लियर, ये 6 होते हैं। 6 को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर मुझे साइन थीटा फाइंड करना है तो इसके थ्रू, इस ट्रायंगल को मेजर करने के लिए साइन थीटा अगर फाइंड करना है तो इसके लिए एक शॉर्टकट है, पहले वो देख लीजिए आप, जो आपने स्कूल्स में पढ़ा होगा, स्कूल में आपको ज़्यादातर पढ़ाया होगा, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यही रूल है बस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये आप ध्यान रखेंगे तो आपको इन सभी की वैल्यूज बहुत इजीली फाइंड करने को मिलेगी, ठीक है ना। जैसे अगर मुझे ये 3 दे दिया है, ये 4 दे दिया और ये 5 दिया है, याद रखना हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है, इसलिए सबसे बड़ी साइड लिखेंगे। इसको कैसे फाइंड करना है वो छोटी क्लासेस में आपको बता दिया था। आप देखिए अगर मुझे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ी है तो मुझे क्या दे रखा है, देखो हम क्या चलेंगे, लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट टू राइट, पहली क्या होगी साइन की वैल्यू होगी, दूसरी कॉस की होगी, तीसरी टेन की होगी। क्लियर है ना, पहली साइन की, साइन कॉस टेन, ठीक है, ऐसे चलेंगे साइन कॉस टेन लेफ्ट टू राइट। क्या होगा, पहली क्या है पी अपॉन एच, तो साइन थीटा इक्वल टू होगा पी अपॉन एच, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सेकंड वाली होगी ना बी अपॉन एच, और टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इजीली आप बोल दोगे पी अपॉन बी। क्लियर, जैसे कि साइन थीटा की वैल्यू, अब मुझे पी अपॉन एच दे रखी है तो पी अपॉन एच, तो क्या दे रखा है 3/5। कॉस थीटा की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी 4/5। क्लियर, टेन थीटा की आप फाइंड कर ही लोगे। अब देखो अब बची हमारी 3 आइडेंटिटीज, अब 3 इनको कैसे रेशियोज को करना है। देखो अगर मुझे कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है और सेक थीटा की वैल्यू, सेक थीटा की वैल्यू और क्या रहेगा आपका कोसेक थीटा, इनकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, पहले तो हमारा ये रूल था लेफ्ट टू राइट चलेंगे साइन कॉस टेन, अब क्या चलेंगे कॉट, तो अब चलेंगे अब राइट टू लेफ्ट, और क्या नीचे से ऊपर, क्या चलेंगे नीचे से ऊपर, तो क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन बेस और हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है ना, उल्टा चलेंगे तो कॉट के लिए क्या हो जाएगा, उल्टा बी अपॉन पी, एच अपॉन बी, और क्या हो जाएगा आपका, इसके लिए हो जाएगा एच अपॉन पी। क्लियर, देखो ये 3 आइडेंटिटीज की जस्ट अपोजिट होती है, क्या प्रोपोर्शनल होती है आप बोल सकते हो, क्या ये 3 आइडेंटिटी। देखो साइन का होता है कोसेक, साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, कॉस का अपना सेक होता है, और टेन के लिए कॉट होगा, खुद देख सकते हैं आप। अगर मैं इसको मिटा रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना, देखो साइन के लिए क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/cosec थीटा। एक मैं आपको फाइंड करके दिखा देता हूं, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cosec थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है पी अपॉन एच, साइन थीटा इक्वल टू हो गया आपका पी अपॉन एच। अब देखो कॉस थीटा की क्या है वैल्यू, कोसेक थीटा की थी एच अपॉन पी, क्या थी एच अपॉन पी, तो पी ऊपर चला जाएगा, सही है ना, 1/h/p था ना, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाती है तो क्या हो जाएगा पी अपॉन एच, देखो दोनों सेम है कि नहीं है, तो क्या होता है साइन थीटा किसके अपोजिट होता है 1/cosec थीटा के। क्लियर है ना, अब देखो सेम एज कॉस के लिए भी क्या होगा, कॉस थीटा के लिए होगा 1/sec थीटा। अब देखो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं कि नहीं है, तो आप ये भी तो लिख सकते हो sec थीटा इक्वल टू क्या 1/cosec थीटा,
ये भी तो लिख सकते हैं आप, ये भी सही है बिल्कुल। अब देखो, या फिर इसको इधर ले जाऊं मैं, तो क्या लिख सकते हो, cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू किसके वर्ग के बराबर। ये हमारा रिलेशन होता है कि हम रिलेशन कैसे फाइंड करें। और इसकी जरूरत कब पड़ती है, जैसे cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू वन है, तो इसकी जरूरत कब पड़ेगी, इसकी जरूरत तब पड़ेगी जब हमें ऐसे दे दिया जाए sec थीटा cos थीटा इंटू sec थीटा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, वन। तो आप उसकी जगह पर क्या पुट कर दोगे, वन वैल्यू। तो सेम है sin थीटा इंटू कुछ sec थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, वन। और tan थीटा इंटू क्या हो जाएगा आपका, cot थीटा किसके बराबर हो जाएगा, वन के। ये हमारे क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं आपस में। इन सब के रिलेशन हो गए किसके लिए, क्योंकि ये दूसरे के उल्टे थे। क्लियर। अब देखो एक और चीज होती है इसमें, क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू आपका होगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसको भी फाइंड करने लेंगे। देखो tan थीटा का क्या था, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी लिख लेंगे। साइन का क्या था, पी अपॉन एच और डिवाइडेड बाई बी अपॉन एच, तो एच से एच कट के क्या बच गया, पी अपॉन बी। तो सेम आ गया ना, पी अपॉन बी। क्लियर है, तो इसके बराबर हो जाएगा। आप निकाल के देख लेना, सेम है। अगर टेन थीटा उल्टा होता है कॉट थीटा के, तो क्या आ जाएगा आपका, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जस्ट अपोजिट उल्टा हो जाएगा किसका, कॉट थीटा का, सॉरी ये हो जाएगा कॉट थीटा। क्लियर। फंडामेंटल टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, देखो आइडेंटिटीज बहुत प्रकार की होती हैं, लेकिन हम जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज होती हैं वो तीन होती हैं, और तीनों को जान लेते हैं, उन्हें लर्न रखेंगे, याद रखेंगे हम इसको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन के बराबर होता है, पहली आइडेंटिटी ये होती है। अब देखो फर्स्ट आइडेंटिटी है इसके, अगर ये ऐसे बोलते हैं कि यही आएगा, ऐसा भी हो सकता है कि इसको इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर साइन इधर चला गया तो क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी तो हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कभी कभी वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा जाता है तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, या फिर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। ठीक है ना, ये स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, अंडर रूट उधर साइड में हो जाएगा। क्लियर है ना। तो हमारी एक आइडेंटिटी से इतनी सारी बन गई। ऐसा भी तो हो सकता है, सेम कंडीशन अगर मैंने साइन को इधर भेजा था तो आप क्या कर सकते हो, कॉस को भी इधर भेज सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अगर मैंने कॉस को इधर भेजा तो क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेम अगर अंडर रूट हटा देंगे तो ये वाला वन अंडर रूट के साथ आ जाएगा। क्लियर। ये हो जाएगी पहली आइडेंटिटीज के साथ, ये याद रखेंगे, इससे हम ये बना लेंगे। अगर हमें ये याद है तो डायरेक्ट इन चीजों को लिख लेंगे। क्लियर। अब दूसरी आइडेंटिटी हमारी क्या है, सेकेंड वन है हमारी, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा के। क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इसको भी चेंज कर लेंगे, इसको इधर पहुंचा देंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो आप, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन। क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन। और ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या पुट कर सकते हो आप, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, अंडर रूट लग गया। सेम एज अगर मैंने इसको किसको भेजा था, अगर मैं sec की वैल्यू फाइंड करूंगा तो ये मिली गया मुझे, अगर tan की वैल्यू फाइंड करूंगा तो ये। अगर ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इधर ले जाएं, अगर मैं क्या लिख सकता हूं, इसको देखो इधर आ जाएगा, ये इधर जाएगा, ये उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan गया ना, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। हम वन के बराबर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर इक्वल वन। क्लियर। देखिए जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्वाड्रेंट कैसे होते हैं, हमारा पॉजिटिव में कौन कौन से आएंगे, क्वाड्रेंट पढ़ाऊंगा, साइंस पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, और बेसिकली क्वेश्चन कराऊंगा जो बेसिक क्वेश्चन होंगे। उसके बाद जो जो क्वेश्चन आते जाएंगे और जैसे जैसे टिक्नोमेट्री में कॉन्सेप्ट आ जाएंगे उस हिसाब से मैं आपको वीडियोज बनाता रहूंगा। आप मैं आपको एमसीए एंट्रेंस की करा रहा हूं, और आप एनडीए के बच्चे हैं तो आप एनडीए के लिए भी ये शॉर्ट ट्रिक्स काम आएंगी, आपको यूजफुल रहेंगी। आईआईटी में पढ़ रहे हैं तो आईआईटी के लिए भी आपको यूज में आएंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब कर दें चैनल को, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें इस वीडियो को। क्लियर।